Assalamu alaikum, student. So in our previous lecture, we discussed different things about transaction exposure, that how a firm can avoid different types of variation and correlations available in different types of currencies. We discussed that there is a possibility that if you are a multinational company and you are facing transaction exposure, so what does that mean? That your company will be facing in a way ke aapki jo cash inflows hain aur cash outflows hain, they are exposed towards the currency fluctuations. तो ऑब्वियसली व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट कैश इनफ्लोज या कैश आउटफ्लोज की आप बात कर रहे हैं कि वो करेंसी फ्लक्चुएशंस के साथ एक्सपोज्ड हैं, सो दैट इज अ मेन कंसर्न फॉर एनी टाइप ऑफ मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि आपने करेंसी में डील करना है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज के साथ डील करना है और आपने इंटरनेशनल ट्रेड करना है. सो अगर तो वेरिएशन बहुत ज्यादा आ रही है या फिर बहुत ज्यादा उसमें चेंजेस आ रहे हैं, सो दैट इज अ पॉइंट ऑफ कंसर्न फॉर एनी मल्टीनेशनल कंपनी, क्योंकि बाय द एंड ऑफ द ट्रांजेक्शन, जब ये ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगी और आपको एक्सचेंज करनी होगी एक करेंसी दूसरी करेंसी में, सो देयर वुड बी अ प्रॉब्लम इफ आपने किसी ऐसी करेंसी में डील किया है जहां पे बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन है या फिर चेंजेस आते हैं. सो वी ट्राई टू सी हाउ यू कैन मेजर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. वी ऑल्सो डिस्कस दैट द टू इम्पॉर्टेंट थिंग्स व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड गो फॉर द करेंसी वेरिएबिलिटी, के जिन करेंसीज में आप डील कर रहे हैं उनकी करेंसी में और आपकी करेंसी के दरमियान कितनी वेरिएशन है उस एक्सचेंज रेट में. फॉर एग्जाम्पल वी गिव द एग्जाम्पल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड किसी भी और कंट्री की एग्जाम्पल आप ले लें. से फॉर एग्जाम्पल आप इंडियन रूपी की बात करें कि कोई पेरेंट कंपनी जो कि यूनाइटेड किंगडम में है और उसने अपना बिजनेस लॉन्च किया या सब्सिडरी लॉन्च की हुई है इंडिया में, तो ब्रिटिश पाउंड और इंडियन रूपी के दरमियान जितनी वेरिएशन है या जितनी फ्लक्चुएशन है, दैट इज वन इंपॉर्टेंट पॉइंट विच शुड बी कंसिडर्ड फ्रॉम अ मल्टीनेशनल कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि आपको यह देखना है कि ब्रिटिश पाउंड में और इंडियन रूपी के दरमियान कितनी वेरिएशन आ सकती है या पास्ट ट्रेंड्स क्या है. उस वेरिएशन में अगर तो वो करेंसीज इन्वॉल्व हैं जिनमें आपस में वेरिएशन ज्यादा नहीं आती या सारी की सारी स्ट्रांग करेंसीज इन्वॉल्व हैं, देन देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप थोड़ा सा प्रिडिक्ट कर सके कि ओके फाइन, बिकॉज ये बहुत स्ट्रांगर करेंसीज हैं तो इनमें वेरिएशन ज्यादा आने का चांस नहीं है, सो यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन. However, when you are dealing with those subsidiaries where you don't expect any type of these types of variation, कि कोई एक set pattern नहीं है या कोई ऐसा बहुत strong currency नहीं है, ऐसे for example आप जिस तरह British pound और Indian rupee की बात करें, so there is always a possibility कि इसमें volatility आ सकती है या variation आ सकती है. So when you are talking about the transaction exposure, so two important point, one thing you should know the currency variability, because British pound में या दूसरी currency में कितनी variation आ सकती है. On the other hand, secondly, आपके पास currency में कितनी correlation के chances हैं, कि आपका British pound और पाक रूपी आपस में कितना correlated है, whether they are strongly correlated or weak correlated. स्ट्रॉन्ग कोरिलेटेड मीन्स कि आपकी जो वैल्यूज हैं वो वन के टूवर्ड्स ज्यादा हैं, बिकॉज कोरिलेशन की जो ब्रैकेट है या जो रेंज है दैट इज बिटवीन -1 to 1, सो दैट मीन्स कि या तो -1 हो सकती है या अप टू +1 वैल्यू जा सकती है. सो जो आपका बैंड है कोरिलेशन का वो -1 से +1 के दरमियान में है. आपको ये देखना है कि ब्रिटिश पाउंड और इंडियन रूपी के दरमियान में कोरिलेशन कोएफिशिएंट की क्या वैल्यू आ रही है. So what will happen in that case? That you will see के British pound और Indian rupee अगर तो positively correlated हैं, then you will get a positive correlation coefficient. If they are negatively correlated, that means अगर उनमें एक reverse relationship है या inverse relationship है, what will happen in that case? In that case, या तो आपके पास एक करेंसी अगर upward move करती है तो दूसरी करेंसी downward move करती है, that is called an inverse relationship. So what will be your point of view in that regard? तो जब आप बात करते हैं ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की, वेयर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज आर इन्वॉल्व एंड दे आर एक्सपोज टुवर्ड द एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशंस, देन यू नीड टू नो बीइंग एक्सपोज टुवर्ड्स ट्रांजैक्शन एक्सपोजर दैट हाउ मच वेरिएबिलिटी बिटवीन द करेंसीज इज अवेलेबल एंड हाउ मच दीज करेंसीज आर कोरिलेटेड विद ईच अदर. Then we also discussed that there is a possibility कि आप ये कहें कि okay fine, Indian rupee और British pound पिछले कोई 5 महीने से they are positively correlated और उनकी जो correlation coefficient है वो say for example 0.5, 0.6, फिर उसके बाद 0.7, फिर 0.5, फिर 0.6 कुछ इस तरह करके आ रहा है. एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू से कि अगले महीने भी they will be positively correlated with the correlation coefficient of this. No.
बिकॉज आप कभी भी कोरिलेशन कोएफिशिएंट को पिछले कोरिलेशन कोएफिशिएंट को लेके नया कोरिलेशन कोएफिशिएंट नहीं प्रिडिक्ट कर सकते या पिछली कोरिलेशन को लेके नई कोरिलेशन नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. ये उन केसेस में तो पॉसिबल है जहां पे करेंसीज बहुत स्ट्रांग हैं या फिर आप ये कह लें कि आपकी जो पुरानी करेंसीज हैं उनमें सॉरी जो आपकी बहुत स्ट्रांग करेंसीज हैं से फॉर एग्जांपल यूरो और ब्रिटिश पाउंड हो गया या ब्रिटिश पाउंड और डॉलर हो गया, इनमें तो पॉसिबल है. ओके फाइन, टू सम एक्सटेंड यू कैन से कि ये पॉजिटिव कोरिलेशन क्योंकि पिछले कई सालों से चल रही है, देर इज लेस चांस कि नेक्स्ट फ्यूचर एक महीने में या दो महीने में इनमें कोई बहुत स्ट्रांग वेरिएशन आएगी या फिर बहुत स्ट्रांग रिलेशनशिप चेंज होने का चांस है. हाउएवर ऑन द अदर हैंड You can say कि करेंसी कोरिलेशन ओवर टाइम जो है दैट कैन चेंज. सो इट्स नॉट दैट केस कि आप ये कहें कि आज अगर कोरिलेशन जो है वो 0.9 थी तो कल भी 0.9 ही होगी, अगर आज कोरिलेशन 0.7 थी तो अगले आने वाले दो महीनों में भी कोरिलेशन 0.9 ही होगी. नो, बिकॉज जिस तरह करेंसी अपनी वैल्यू अप्रिशिएट या डेप्रिशिएट चेंज होती है करेंसीज की वैल्यू अकॉर्डिंग टू सेम लाइंस, जो उनकी सेंस ऑफ एसोसिएशन है या कोरिलेशन बिटवीन टू करेंसीज जो है वो भी चेंज होती है. सो इन दिस केस कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यूज भी चेंज होती रहती हैं. सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट और हिस्टोरिक कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स. सो इन दिस केस यू नीड टू नो कि ओके फाइन, कोरिलेशन कोएफिशिएंट स्ट्रांगर करेंसीज में तो पॉसिबल है कि पॉजिटिव ट्रेंड्स थे, पॉजिटिव ही हो सकते हैं क्योंकि इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी नहीं होती, बट नॉर्मली यू कैन नॉट प्रिडिक्ट फ्यूचर कोरिलेशन कोएफिशिएंट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर पास्ट ट्रेंड्स. ओवर टाइम अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि यू कैन प्रिडिक्ट के ओवर टाइम यही कोरिलेशन कोएफिशिएंट फॉलो करेगा इन दीज कंट्रीज, बिकॉज इन करेंसीज में इतनी ही कोरिलेशन एग्जिस्ट करती है फॉर द पास्ट 10 ईयर्स या पास्ट 5 ईयर्स कुछ उन बेसिस के ऊपर. सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट के एग्जैक्ट कोरिलेशन कोएफिशिएंट नेक्स्ट फ्यूचर में क्या होगा. हाँ, टू सम एक्सटेंड यू कैन सी कि हाँ पॉजिटिव कोरिलेशन थी तो एक्सपेक्टेड है कि पॉजिटिव ही होगी, अनलेस कोई ऐसा वो ना हो, इवेंट ना हो जिसकी वजह से कोई नेगेटिव कोरिलेशन आने का चांस हो. We also discussed that when you are talking about the transaction exposure, since it is dealing with the cash inflows and cash outflow, which is very much important from international business point of view, value at risk method is something where you are considering the variation in the whole transaction. So in that case, variation is very much important, where for longer time horizon ke liye agar aapne check karna hai ki kitna value at risk अवेलेबल है और कितना वेरिएशन अवेलेबल है बिटवीन टू करेंसीज ओवर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, देन यू कैन गो फॉर वैल्यू एट रिस्क मैथड. इन दिस केस व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट वैल्यू एट रिस्क मैथड, सो दैट इज समथिंग कि जहां पे आप ये बात करते हैं कि वैल्यू एट रिस्क में आपकी एक तो वेरिएशन आ जाती है जो आप चेक करें कि कितना कैप्चर कर रही है दो करेंसीज वेरिएशन को एक दूसरे में. सेकेंडली जब वेरिएशन कैप्चर होती है सो यू कैन ऑल्सो सी कि आपके पास जो उसमें रिस्क कितने अटैच्ड हैं. एज वी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस लेक्चर की जो आपकी वेरिएशन जो कैप्चर करती है ट्रांजेक्शन उसी का अगर आप स्क्वायर रूट ले लें दैट गिव्स यू स्टैंडर्ड डिविएशन, एंड स्टैंडर्ड डिविएशन इज अ मेजर फॉर द फाइनेंस और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन वेयर यू बेसिकली सी हाउ मच रिस्क इज इन्वॉल्व. तो स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली वेरिएशन का स्क्वायर रूट है और ये आपको परसेंटेज में आंसर दे देती है और बता देती है कि आपके पास कितने परसेंट डिविएट होने के चांसेस हैं वैल्यूज के फ्रॉम इट्स मीन वैल्यूज या ओरिजिनल वैल्यूज या रियलाइज्ड वैल्यूज. सो इन दैट केस आपके पास वैल्यू एट रिस्क मेथड जो है जो कि बेस कर रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन के ऊपर, विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कंपनी कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन में या डिफरेंट टाइप्स ऑफ करेंसीज के बीच में वैल्यू एट रिस्क मेथड वेयर दे आर कंसिडरिंग फॉर लॉन्ग टाइम होराइजन चेक कर लें कि कितनी वेरिएशन आ रही है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट दे कैन डिसाइड वेदर दे हैव टू गो फॉर दिस ट्रांजेक्शन और नॉट. सो जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है उसमें वैल्यू एट रिस्क मेथड की भी बहुत इंपॉर्टेंस है. सो टुडे द ऑब्जेक्टिव वुड बी टू आइडेंटिफाई द कॉमनली यूज टेक्निक्स फॉर हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. जिस तरह हमने बात की कि ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को किस तरह से कैप्चर किया जा सकता है या उसमें वेरिएबिलिटी को कंसिडर करके आप डील कर सकते हैं कि वेदर यू हैव टू गो फॉर दिस ट्रांजैक्शन और नॉट, टुडे वी विल बी गोइंग फॉर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर हेजिंग ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कि जब आप एक्सपोज हो रहे हैं ट्रांजैक्शन से एक्सपोजर से तो हाउ यू कैन हेज अगेंस्ट दैट. To show how each technique can be used to hedge future payables and receivable, as we said कि आपके पास cash inflows and cash outflows क्योंकि involved in this, so you have to see कि each technique how you can go for that to basically go for future payables or future receivables को किस तरह से आप hedge कर सकते हैं.
Plus, then we will be comparing different pros and cons for the different hedging techniques, के क्या transaction techniques या hedging techniques use करनी चाहिए और किन को नहीं apply करना चाहिए. To suggest other methods of reducing exchange rate risk. So that will be the agenda for today's lecture. Let's take this example. आप इस example में जितनी values given है उसको अपने पास note करते जाएं. So next slide पे we will do the solution. ABC company, a US exporting firm. ABC company जो है वो US exporting firm है जो export करती है और US की firm है. Expects to receive substantial payments denominated in Indonesian rupees and Thai baht in 1 month. अब ABC company जो है वो basically आपकी एक यूएस फर्म है जो कि एक्सपोर्ट्स करती हैं टू इंडोनेशिया एंड थाईलैंड. अब इंडोनेशियन रुपीस में पेमेंट्स आना एक्सपेक्टेड है प्लस थाई करेंसी में आपके पास पेमेंट्स रिसीव होना टू यूएस फर्म एक्सपेक्टेड है क्योंकि एबीसी फर्म एक्सपेक्ट कर रही है कि इन 1 month टाइम इंडोनेशियन रुपी में और थाई बाद में रिसीव होंगी पेमेंट्स अगेंस्ट देयर एक्सपोर्ट्स जो यूएस ने उनको एक्सपोर्ट्स की हुई है. बेस्ड ऑन टूडेज स्पॉट रेट the dollar value of the funds to be received is estimated at $600,000 for rupiah. मतलब इंडोनेशिया से जो पेमेंट आनी है वो $600,000 हैं और $400 from थाईलैंड बात. सो दैट मीन्स कि आपके पास जो पेमेंट्स आनी है यूएस फर्म को जो पेमेंट्स आनी है इन यूएस डॉलर्स After 1 month time, उनका वो आपके पास है 600,000 from Indonesia और $400,000 from Thailand. Thus, ABC is exposed to a currency portfolio weighted 60% in rupiah and 40% in baht. ये 60 और 40 आपने किस तरह derive किए? ये basically weight A है और ये weight B है. या आप वेट एक्स या वेट वाई कर लें जिस तरह हमने पहले पिछले फॉर्मूला में किया था जो आपको फॉर्मूला मैंने अभी करवाया था. वेट एक्स और ये आपके पास वेट वाई है. अब वेट एक्स और वेट वाई किस तरह से डिराइव हुए हैं 600,000 फ्रॉम हियर एंड 400,000 फ्रॉम देयर. सो दैट मींस अगर आप 600,000 और 400,000 को ऐड कर दें तो आपके पास क्या बन रहा है 1 million की अमाउंट बन रही है $1 million. उसमें अगर परसेंटेज ले लें तो ये आपका 60% है और ये आपका 40% है. On the basis of that, it is said कि जो पोर्टफोलियो जो आपकी एक बास्केट बन रही है उसमें जो वेट्स असाइन होंगे दैट इज डब्ल्यू एक्स which is 60% and WY that is 40% in Thai baht. ABC wants to determine the maximum expected 1 month loss due to the potential decline in the values of these currencies. अब जो आपकी एबीसी फर्म है दैट वांट्स टू डिटरमिन कि कितना लॉस एक्सपेक्टेड है इन 1 month टाइम अगर इन करेंसीज की वैल्यूज डिक्लाइन कर जाएं. Based on 95% confidence interval, which is a term कि आप कितने percent, 95% आप sure हैं कि इन currencies की values next 1 month में decline होंगी. Now based on the data again, historic data को consider करके ABC predict कर रहा है कि कितनी values possibility है कि कितनी values decline करेंगी. Based on past 20 months data, it estimates the standard deviation जो आपकी sigma होती है value sigma of monthly percentage change to be 7% for rupiah. So that will be ye aapka aa jayega sigma x aur 8% for baht which is sigma y. So aapki basically isme expect kiya on the basis of past historic data aapki ABC company ne expect kiya hai ki 7% change aane ka chance hai, deviation ka chance hai in Indonesian rupiah aur 8% in Thai baht mein changes aane ka chance hai ya standard deviation ki value ho sakti hai, itni value deviate kar sakti hai, ye 8% chances hai. So for that formula you were supposed to know ki kitne weights assign huye hue hai, jo ki humne yahan pe le liya, plus kitni percentage hai वेरिएशन की या स्टैंडर्ड डेविएशन की एंड फाइनली यू आर सपोज टू नो कि कोरिलेशन कितनी है
सिंस वी वर टॉकिंग अबाउट कि आपका जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर होता है इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है टू नो एंड टू गेस कि वेदर यू हैव टू गो फॉर दैट ट्रांजैक्शन और नॉट. फर्स्ट थिंग कि करेंसी की वेरिएशन कितनी है, वो तो आपने यहां से कर ली कि वेरिएशन कितनी आ रही है. तो 7% इसमें आ रही है इंडोनेशियन रुपी में और 8% आ रही है आपकी थाई बात में. सेकेंड थिंग विच वॉज इम्पॉर्टेंट, इफ यू रिकॉल योर प्रीवियस लेक्चर, तो हमने क्या बात की थी कि वेरिएशन के अलावा क्या और इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको दो करेंसीज के दरमियान पता होना चाहिए व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. यस, दैट वॉज कोरिलेशन. सो अ कोरिलेशन कोएफिशिएंट ऑफ 0.50 बिटवीन द रुपया एंड बात. द पोर्टफोलियो स्टैंड डेविएशन विल बी कैलकुलेटेड नाउ ऑन द नेक्स्ट स्लाइड. तो आपका बेसिकली ये जो वैल्यू आ रही है 0.50 की, दिस विल रिप्रेजेंट योर कोरिलेशन कोएफिशिएंट एक्स एंड वाई. तो जो करेंसी एक्स और वाई के दरमियान में कोरिलेशन कोएफिशिएंट है दैट विल बी रिप्रेजेंटेड विद 0.50. सो नाउ इफ यू राइट डाउन दैट फॉर्मूला जो हमने पिछली स्लाइड्स में अभी किया था कि हमने अगर किसी पोर्टफोलियो की वेरिएशन या पोर्टफोलियो की स्टैंडर्ड डेविएशन को चेक करना है तो उसको हम किस तरह से मेजर करेंगे, दैट्स हाउ यू डू इट. सो दिस इज द फॉर्मूला, इफ यू कैन राइट डाउन अगेन. So weight for first currency is assigned as 60%. The value which is आपके पास जो assign की गई है sigma, या मैं लिख दूँ आपको W X equals to 60%, sigma X equals to 7%, WY equals to 40%. Y equals to 8% and correlation equals to 0.5. यहां पर आपके पास आएगा 7% क्योंकि वेरिएशन एक्सपेक्टेड है इन करेंसी X, देन 40% ये भी परसेंटेज में है आपकी वैल्यूज, और इसके साथ जो रिस्क अटैच्ड है या वेरिएशन अटैच है दैट इज 8%. प्लस 2 डब्ल्यू एक्स आपके पास क्या आ रहा है 60% जो आपने वेट असाइन किया एक्स करेंसी को, डब्ल्यू वाई विच इज द वेट फॉर वाई करेंसी दैट इज 40%, एंड देन यू हैव टू डू द वेरिएशन जितनी आ रही है या जितनी स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है फॉर दैट पर्टिकुलर मंथ. सो 7% फॉर इंडोनेशियन रुपीज एंड 8% फॉर थाई बात इज गिवन. फाइनली इट इज गिवन दैट द कोरिलेशन बिटवीन दीज टू करेंसीज वुड बी 0.5. तो आपने बेसिकली इस फॉर्मूला में जब आपने वैल्यूज डाली टू सी द पोर्टफोलियो स्टैंडर्ड डेविएशन, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या किया कि 60% असाइन की गई वैल्यू इन एक्स करेंसी हैज बीन रिटन हियर जो कि आपका 60% आ रहा है, देन सिग्मा स्क्वायर विच इज योर 7%, सो उसका स्क्वायर ले लिया, देन वेट फॉर वाई करेंसी कि कितने परसेंट या प्रोपोर्शन अलॉट किया गया है करेंसी वाई में, सो 40%, 8% आपकी वेरिएशन आ रही है या स्टैंड डेविएशन गिवन इन दैट पर्टिकुलर मंथ फॉर थाई बात जो हमने यहां लिख दिया क्योंकि ये थाई बात की कैलकुलेशन है, प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट वेट ऑफ एक्स दैट इज 60%, वेट ऑफ वाई इज 40%, सिग्मा एक्स 7% गिवन है, सिग्मा वाई 8% गिवन है, और कोरिलेशन कोएफिशिएंट या सेंस ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू करेंसीज इज गिवन एज 0.5. लेट्स डू द कैलकुलेशंस. तो आपके पास 60% को आप लिख लें 0.6 होल स्क्वायर, बिकॉज 60% को 60 डिवाइडेड बाय 100 करें इट विल गिव यू 0.6, एंड 7% को आप कन्वर्ट कर लें 0.07 यू विल गेट होल स्क्वायर. प्लस मैं तमाम वैल्यूज को परसेंटेज से नॉर्मल वैल्यूज में कन्वर्ट कर रही हूं सो दैट कैलकुलेशन गेट इजी, 0.4 होल स्क्वायर एंड 0.08 फॉर 8% जो आपने लिखा है होल स्क्वायर, प्लस 2 टाइम 0.6 टाइम 0.4 टाइम 0.07 जो कि वैल्यूज हैं आपकी स्टैंडर्ड डेविएशन के, 0.08 फॉर थाई बात, एंड देन कोरिलेशन कोएफिशिएंट.
अब ये तमाम कैलकुलेशंस आप अपने कैलकुलेटर्स निकालें और करें और देखें आपकी वैल्यूज मेरे साथ मैच हो रही हैं या नहीं। तो आप 0.6 का स्क्वायर ले लें, सो यू विल गेट 0.36। इसकी वैल्यू आ रही है 0.36। अब आप 0.07 का स्क्वायर ले लें तो आपके पास वैल्यू आएगी 0.0049। देन स्क्वायर ऑफ 0.4 विच गिव्स यू द आंसर 0.16। एंड नाउ टेकिंग द स्क्वायर ऑफ 0.08 विच विल गिव यू द आंसर 0.0064। तो ये आपके पास वैल्यूज आ रही हैं यहां तक की। नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 विद 0.6, 0.4 एंड देन मूव ऑन टू द नेक्स्ट वैल्यूज। तमाम वैल्यूज को आप, इन तमाम वैल्यूज को जो ये वैल्यूज हैं इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दें एंड देन मल्टीप्लाई बाय 2 एंड लेट्स सी क्या वैल्यू आती है आपके पास। सो आपके पास 2 टाइम्स 0.6 टाइम्स 0.4 टाइम्स 0.07 टाइम्स 0.08 times 0.5 gives you the answer equals to 0.001344. So ये आपके पास values आ रही हैं। Now let's simplify them. So what you will get? तो आप 0.36 को मल्टीप्लाई करें 0.0049 के साथ, तो 0.36 टाइम्स 0.0049 जो आपका फर्स्ट स्टेप है, यू गेट द वैल्यू 0.001764 प्लस नाउ द सेकंड स्टेप व्हिच इज 0.16। अब मैं इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर रही हूँ 0.16 टाइम्स 0.0064 टाइम्स 0.0064, so I get 0.001024, and then the last value which we already got 0.001344. So अब आपके पास value आ रही है, इन सब को add कर दें आप for standard deviation of this portfolio, तो 0.001764 में add करें 1764 में ऐड करें 0.001024 एंड देन प्लस 0.001344 एंड यू गेट द वैल्यू इक्वल्स टू 0.004132। तो आपके पास वैल्यू आ रही है 0.004132। इसका स्क्वायर रूट आप ले लें इस वैल्यू का तो आपके पास आंसर आएगा इक्वल्स टू 0.0064 0.06428। मल्टीप्लाई करना चाहें, अगर आप इसको परसेंटेज में निकालना चाहें कि आपके पास इस पोर्टफोलियो से कितनी स्टैंडर्ड डिविएशन आ रही है या कितने परसेंट वैल्यूज डिविएट होने का चांस है, सो जस्ट मल्टीप्लाई इट विद 100 सो यू गेट इट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। तो 0.06428 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे विद 100 टू गेट द इन परसेंटेज इक्वल्स टू, आपके पास आंसर आ रहा है 6.43% फॉर योर स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ दिस पोर्टफोलियो।
तो बेसिकली इस स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ पोर्टफोलियो को अगर आप कंपेयर करें किसी दूसरी स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ एनी अदर पोर्टफोलियो, देन यू कैन डिसाइड वेदर हाउ मच डिविएशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम दिस पोर्टफोलियो एंड हाउ मच डिविएशन इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द अदर पोर्टफोलियो. लेट्स ब्रीफली एक्सप्लेन दिस अगेन कि आपने इसमें क्या किया. फर्स्ट थिंग कि आपके पास वेट्स असाइन हुए थे क्योंकि कंपनी यूएस कंपनी जो है वो रिसीवेबल एक्सपेक्ट कर रही थी इंडोनेशिया से और थाईबाद से. यूएस फर्म को अमाउंट्स रिसीव होने हैं आफ्टर वन मंथ्स टाइम इंडोनेशिया और थाईबाद से. रिसीव जो अमाउंट होनी है फ्रॉम इंडोनेशिया दैट वाज 600,000 एंड द अमाउंट विच वाज सपोज टू रिसीव फ्रॉम थाईबाद दैट वाज 400,000. उन दोनों को ऐड करें तो आपके पास $1 million की अमाउंट आती है. ऑन द बेसिस ऑफ टोटल अमाउंट यू कैन सी कि किस करेंसी से कितने परसेंट अमाउंट्स रिसीव होनी है क्योंकि टोटल अमाउंट्स आनी है $1 million की, आउट ऑफ विच $600 जो है वो आने हैं आपके इंडोनेशियन रुपया से या इंडोनेशियन कंट्री से. इंडोनेशियन जो वेट्स हैं दैट मीन्स कि $600,000 को डिवाइड कर दें $1 million से, दैट गिव्स यू 60% वेट. ऑन दी अदर हैंड थाई करेंसी में या थाईलैंड से जो आपके रिसीवेबल्स आने हैं दे आर $400,000. $400,000 को डिवाइड कर दें $1 million से, दैट गिव्स यू 40%. तो 60% और 40% तो आपके वेट्स साइन हो गए. ऑन दी अदर हैंड इट इज एक्सपेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ 20 मंथ्स बैक डेटा कि इन दोनों करेंसीज में थाईबात और इंडोनेशियन करेंसी में चांसेस हैं कि 7% और 8% वेरिएशन आएगी ड्यूरिंग दिस वन मंथ टाइम. 7% फॉर इंडोनेशियन करेंसी और 8% फॉर थाईबात. In case of variation, it is captured through the standard deviation, which is sigma. So sigma x will be equals to your 7% and sigma y will be equals to your 8%. And on the other hand, since we know कि आपको correlation coefficient का पता होना जरूरी है, तो it is already given in your question कि दोनों currencies के माबैन जो correlation है, that is 0.5. So by plugging all these values, you are getting your answer as sigma p equals to 6.43%. And by this you can see कि इस portfolio के through there are 6.4% या 6.43% chances of deviation in this portfolio. So that's how you calculate the standard deviation of a portfolio, which is important in terms of transaction exposure. So transaction exposure, when transaction exposure exists, the firm faces three major tasks. First thing, it has to identify the degree of transaction exposure. तो अगर आप multinational company हैं और आप basically face कर रहे हैं transaction exposure, so there are three main things which you being a multinational company or being a parent company, you have to do. First thing, you have to identify the degree of transaction exposure कि किस हद तक आप exposed हैं towards exchange rate fluctuation in terms of your cash inflows and cash outflows. So being a multinational company, first of all you should know the degree of the transaction exposure. कि किस percentage या कितनी percentage है कि आप exposed हैं towards transaction exposure. Second thing, you have to decide whether to hedge this exposure or not. कि अगर एक दफा आपको ये पता लग जाए कि okay fine, ये जिस तरह हमने अभी पिछली example की कि आपकी Indonesian currency में या फिर आपके थाई बाद में variation आने के chances हैं या deviation आने के chances हैं 7% या 8%, overall जो portfolio इनका design हो रहा है उनकी basis पे 6.43% deviation आने का chance है. So in that case there is a possibility कि जो multinational company है, जो कि US based firm है, what they can do is they can decide that they can hedge. So first thing they should identify कि कितने percent variation आने का chance है या फिर कितने percent degree of transaction exposure US company is supposed to expose. So in that case एक चीज तो US firm को पता होनी चाहिए कि कितने percent they are exposed towards transaction exposure. Second thing they should know क्योंकि find ये variation आ रही है, ये standard deviation आ रही है, whether they should go for hedging strategy or not. Finally, choose a hedging technique if it decides to hedge part or all of the exposure. तो अगर तो आपने ये decide कर लिया कि इतने percent, okay fine, हम exposed हैं towards transaction exposure. Second thing, they will decide that hedging करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. वो variation या deviation बहुत बड़ी है या इतनी छोटी या मामूली सी है कि you don't need to go for hedging. If you decide कि नहीं क्योंकि deviation काफी ज्यादा है and you have to go for the different type of hedging techniques, then third and final step would be that being a multinational company,
you have to decide which hedging technique you should choose for your to cover yourself from transaction exposure. To identify net transaction exposure, a centralized group consolidates all subsidiary reports to compute the expected net positions in each foreign currency for the entire multinational company. अब हम जब भी ये बात करें ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की, सो जस्ट कंसीडर योरसेल्फ एज अ मल्टीनेशनल कंपनी एंड पेरेंट कंपनी. वो जो यूएस फर्म की जो हमने बात की, जिसने थाई बात में और इंडोनेशियन फर्म से पैसे आने हैं, उनके पास रिसीवेबल्स होने हैं, जस्ट कंसीडर फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि वो यूएस कंपनी जिसकी और बहुत सी सब्सिडरीज हैं, हाउ दे वुड नो. So one thing that they have to know the net transaction exposure, that means जितनी भी subsidiaries उनके साथ involved हैं उनके business में, they need to know कि उनकी centralized group consolidate करेगा और centralized group report करेगा और compute करेगा कि expected net position जो आपकी है in each foreign currency वो क्या होगी in terms of multinational companies when you are exposed towards the transaction exposure. तो जब आपकी एक मल्टीनेशनल कंपनी, आप एक पेरेंट कंपनी है, तो उसमें आपका एक्सपोजर टुवर्ड ट्रांजैक्शन क्या होगा कि जब आप तमाम की तमाम सब्सिडरीज जो कि डिफरेंट करेंसीज में आपके पास रिसीवेबल्स आने हैं, उनकी एक नेट ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कैलकुलेट कर लेंगे और ओवरऑल आपको पता लगेगा कि बीइंग अ पेरेंट कंपनी आप किस हद तक एक्सपोज्ड है. Note that sometimes a firm may be able to reduce its transaction exposure by pricing its exports in the same currency that it will use to pay for its imports. So sometimes ये भी होता है कि firms जो हैं वो imports और exports एक ही currency में कर लेते हैं या किसी एक ही country से start कर लेते हैं. जैसे आप subsidiaries हैं आपके different companies में, countries में, आप imports और exports same country से कर लें ताकि आपका imports और exports की जो payments होनी है या payments receive करनी है वो same currency में होने की वजह से थोड़ा सा जो exposure है वो आपका offset हो जाएगा. So sometimes this strategy is also used. Now what types of techniques the company or multinational company can do or undertake for basically avoiding the transaction exposure? First of all, they can go for future hedge. Second thing, that they can go for forward hedging techniques. Third, they can go for the money market hedging techniques. And finally, they can go for the currency option hedge. So, we will discuss these criteria in detail in next slide. Ke aap basically being a multinational company, jab aap expose ho rahe hain towards your transaction exposure, jis tarah bhi humne baat ki ke jab multinational company ko ye pata lag jaye ki wo waqai transaction exposure ke saath expose hone wale hain ya transaction jo aapki honi hai jisme cash inflows aane ya cash outflows hone hain, usme transaction exposure involved hai aur aap basically currency exchange rate fluctuations face करेंगे इन योर फ्यूचर टाइम पीरियड, देन दे हैव टू डिसाइड वेदर दे हैव टू हेज और नॉट. जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि उन्होंने हेजिंग यूज करनी है, सो दे कैन हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ हेजिंग टेक्निक्स आउट ऑफ विच दे हैव टू डिसाइड कि कौन सी हेजिंग टेक्निक दे शुड फॉलो. So there are four different types of hedging techniques which can be taken as their hedging towards your transaction exposure. First thing is your future hedge. By signing a future hedge, you can basically avoid transaction exposure. How you can do that, we will discuss it in detail now. Forward hedging, we know कि जब आप forward hedging करते हैं तो उसमें एक contract sign करते हैं जिसमें आप forward sale या forward purchase करते हैं कि आपने future में ये transaction करनी है at a specified date at a specified price. मनी मार्केट हेज पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप मनी मार्केट के थ्रू हेजिंग कर लें ऑन शॉर्ट टर्म बेसिस. फाइनली करेंसी ऑप्शंस हेजिंग हो सकती है कि आप ऑप्शंस ले लें, इन विच पुट एंड कॉल ऑप्शंस आर द मेन क्राइटेरियाज बाय विच यू गेट एन ऑप्शन नॉट ऑब्लिगेशन कि आपने ये ट्रांजेक्शन करनी है या आपने ये ट्रांजेक्शन नहीं करनी है. So these are four different categories by which you can go for the different types of hedging techniques. Multinationals will normally compare the cash flows that would be expected from each hedging technique before determining which technique to apply. So before going for hedging techniques, जो आपकी multinational company या जो parent company होगी, that will normally compare the cash flow statements. Why? Because आपकी cash flow statement से आपको पता चलेगा कि आपके cash inflows कितने हैं या cash outflows कितने हैं और वो expectations उसकी कितनी है, कितने expected हैं, कितने cash inflows expected हैं, कितने cash outflows expected हैं. After that, जो multinational company है, they would decide that whether they have to go for these types of, which type of hedging technique they should follow.
future and forward hedges. Now, what is future hedge and what is forward hedge? A future hedge usually or uses currency futures, while a forward hedge uses forward contracts to lock in the future exchange rate. And the forward contracts are commonly negotiated for a large transaction. तो जो आपका future का और forward का difference है, what's that? That आपका जो forward contracts हैं, they are commonly negotiated for large transactions. तो अगर तो आपकी multinational बहुत huge amounts में deal कर रही है या बहुत heavy amounts में cash inflows या outflows expected है, in that case आपकी जो multinational company है, that will sign a forward contract because they have to hedge themselves against currency fluctuation in forward time periods या in those time periods where the transaction will be completed. On the other hand, future hedge कब use होगा? While the standardized future contracts tend to be used for smaller amounts. तो अगर तो आपकी multinational company किसी बहुत huge amount में deal कर रही है, then they will be going for signing the contract of forward sales या forward contract sign करेंगे. On the other hand, if your multinational company is dealing with cash inflows या cash outflows बहुत बड़े नहीं हैं, बहुत major amounts involved नहीं हैं, normal सी amounts involved हैं, in that case they will go for the future contracts. The hedge versus no hedge decision can be made by comparing the known result of hedging to the possible results of remaining unhedged and taking into consideration the firm's degree of risk aversion. So multinational company jab decide karti hain that whether they have to hedge or they have to avoid hedging categories, that decide upon the criteria ke basically how much benefit they will get from hedging or how much loss they will get if they will not hedge themselves against any type of currency fluctuation. And taking into consideration कि आपकी जो multinational company है, how much risk averse that company is. Risk aversion basically criteria क्या है कि जिसमें आपके आप ये decide करते हैं कि company किस हद तक risks को avoid करती है. तो अगर आपने hedging करनी है, अगर आप बहुत ही ज़्यादा risk averser हैं या risk नहीं लेना पसंद करते, then obviously your company or you being an individual, you would like to go for hedging criteria, क्योंकि आपने उस केस में you are more willing towards the hedging, because you want to avoid any type of loss in future. However, on the other hand, अगर आप risk averse नहीं हैं, risk lover हैं, you are trying कि कोई मसला नहीं, क्योंकि hedging में भी आपके थोड़ा बहुत या कुछ costs involved होंगी, in that case you are saying okay fine, because I don't want to go for that type of hedging technique, because you or being a firm or multinational company, maybe you are a risk lover and you are saying कोई मसला नहीं, future में transaction hopefully नहीं change होंगी, और अगर थोड़ा बहुत risk आता भी है, we can bear that, and in that case you are not trying to go for any type of hedging. So, जो आपकी basically जो आपका decision होगा being a multinational company, one thing it will be based on कि अगर आप hedging करते हैं तो कितना benefit है या hedging नहीं करते तो कितना loss possible है. On the other hand, there is a possibility कि you can go for the degree of risk aversion. कि आप ये check कर लें कि अगर आप risk averser हैं, so that means you don't want to go for any type of loss in future, and you are trying to avoid yourself or you are trying to cover yourself against any type of loss. So in that case, you will definitely, being a multinational company, you will definitely hedge yourself. So it depends ki aapki multinational company or being an individual, aap kis had tak risk ko absorb kar sakte hain aur kitna aap usko avoid karna chahte hain. On the basis of which, you will decide ki whether you have to go for hedging or not. The real cost of hedging measures the additional expenses beyond those incurred without hedging. तो अब जो आपकी real cost of hedging होगी, that will be based on कि आपने जब hedging कर ली तो कितनी costs आई, और अगर आप hedging ना करते without hedging जो costs आनी थी, उन दोनों का difference निकाल लें, तो वो आपका basically real cost of hedging आ जाएगी. कि hedging के साथ आपकी कितनी costs हैं और hedging के बगैर या without hedging आपकी कितनी costs हैं, that will give you the real cost of hedging. Real cost of hedging for payable will be calculated as real cost for hedging equals to nominal cost of payable with hedging minus nominal cost of payable without hedging.
सो अगर आपने पेमेंट्स को लेना है और रियल कॉस्ट्स चेक करनी है कि उसकी कितनी आ रही है बीइंग एक्सपोज्ड टुवर्ड्स दी ट्रांजैक्शन एक्सपोजर, सो यू विल सी कि रियल कॉस्ट फॉर हेजिंग कितनी आएगी इन केस ऑफ पेबल. तो आप पेबल्स को कंसिडर करके नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेबल्स विद हेजिंग माइनस नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेबल्स विदाउट हेजिंग निकाल लेंगे, दैट विल गिव यू द रियल कॉस्ट फॉर हेजिंग इन केस ऑफ पेबल्स. नाउ कंसिडर द अदर क्राइटेरिया वेयर यू विल सी कि आपका रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग रिसीवेबल्स क्या हो सकते हैं. इन केस ऑफ रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग रिसीवेबल्स यू कैन फाइंड रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इक्वल्स टू नॉमिनल रेवेन्यू रिसीव्ड विदाउट हेजिंग माइनस नॉमिनल रेवेन्यूज रिसीव्ड विद हेजिंग. तो इन दिस केस बेसिकली यू आर ट्राइंग टू सी कि आपके पास जब आपने रिसीवेबल्स लेने हैं तो आपका रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग क्या आएगी. इन दैट केस आपकी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल वुड बी इक्वल टू जो आपके नॉमिनल रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं जो रिसीव हो रहे हैं विदाउट हेजिंग माइनस जो आपके नॉमिनल रेवेन्यूज जनरेट हो रहे हैं या रिसीव हो रहे हैं विदाउट हेजिंग विद हेजिंग सॉरी. सो आप बेसिकली डिफरेंस किस तरह से फाइंड करेंगे कि आपके नॉमिनल रेवेन्यूज जो रिसीव होंगे दिस इज रिवर्स इन टर्म्स ऑफ जो आपके पेबल्स थे. आप पहले फॉर्मूला में अगर आप देखें सो इन केस ऑफ दिस जो आपकी रियल कॉस्ट ऑफ ये जो आपका आ रहा है रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन टर्म्स ऑफ पेबल्स है तो इसमें आपके पहले वैल्यूज आ रही है नॉमिनल कॉस्ट ऑफ पेबल विद हेजिंग. जबकि आप रियल कॉस्ट ऑफ रिसीवेबल जब आप लेंगे रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन टर्म्स ऑफ रिसीवेबल तो आपके पास पहले वैल्यू आएगी नॉमिनल रेवेन्यूज रिसीव्ड विदाउट हेजिंग. हाउएवर जब आपने पेबल की बात की तो इसमें आपके पास आएंगे नॉमिनल कॉस्ट्स ऑफ पेबल विदाउट विद हेजिंग. जब आप रिसीवेबल की बात करेंगे तो नॉमिनल रेवेन्यूज रिसीव्ड विदाउट हेजिंग. So, in case of receivables, you are trying to see nominal revenues received without hedging minus nominal revenues received with hedging. So, that will give you the real cost of hedging in this way. तो जब आप ट्रांजैक्शन एक्सपोजर को फेस करते हैं और उसके अगेंस्ट आप हेजिंग टेक्निक्स फॉलो करते हैं एंड यू सी कि ओके फाइन आर कंपनी और आर मल्टीनेशनल कंपनी इज रेडी टू गो फॉर हेजिंग. व्हेन योर मल्टीनेशनल कंपनी इज रेडी टू गो फॉर हेजिंग देन यू हैव टू डिसाइड कि आपकी नॉमिनल सॉरी जो आपकी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग वो आप क्या फेस करेंगे. अब अगर तो आपकी मल्टीनेशनल कंपनी हेजिंग कर रही है इन टर्म्स ऑफ पेएबल सो आपकी रियल कॉस्ट ऑफ हेजिंग इन टर्म्स ऑफ पेएबल वुड बी इक्वल्स टू द फर्स्ट फॉर्मूला व्हिच इज गिवन हियर. This is for payables. और अगर आपकी multinational company जो है वो hedge कर रही है against receivable, so the real cost of hedging would be equal to this formula, where you will take out the difference between the nominal revenues received with hedging and nominal revenue received without hedging. First of all, we discussed that being a multinational company, when you know that you are exposed towards the transaction exposure, so your objective should be that you should identify okay, to what extent you are exposed towards this type of ट्रांजेक्शन एक्सपोजर. दैट मीन्स कितनी परसेंटेज से यू आर फेसिंग वेरिएशन और यू आर फेसिंग डिविएशन इन योर कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज. सो बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी व्हेन यू नो दैट यू कैन फेस ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इन दैट केस यू शुड ऑल्सो नो टू वट एक्सटेंट यू आर फेसिंग ट्रांजेक्शन एक्सपोजर. Once you know that you are facing transaction exposure, then second objective should be that you have to decide whether to hedge for this exposure or not. एक चीज जब आपको डिग्री का पता लग गया या आपको एक्सटेंट का पता लग गया कि किस एक्सटेंट से आप बेसिकली फेस कर रहे हैं ट्रांजेक्शन एक्सपोजर, नाउ इट इज इन योर हैंड कि वेदर यू वुड लाइक टू गो फॉर ट्रांजेक्शन यू वुड लाइक टू गो फॉर हेजिंग टेक्निक और नॉट. अब तो अगर तो आपके बहुत मेजर या ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं इन योर ट्रांजैक्शंस, सो ऑब्वियसली यू वुड लाइक टू गो फॉर दी हेजिंग टेक्निक. ऑन दी अदर हैंड अगर आपने कोई बहुत मेजर ट्रांजैक्शंस नहीं करनी या बहुत जो रिसीवेबल्स हैं या जो पेबल्स हैं वो बहुत कोई मेजर अमाउंट्स नहीं है, इन दैट केस यू थिंक हेजिंग टेक्निक्स या जो उसके जो पेबल्स होंगे या फिर जो उसकी कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी वो इतनी होंगी कि आपकी हेजिंग बेसिकली इतना वर्क नहीं करेगी या आपको कोई बहुत बेनिफिट नहीं देगी, इन दैट केस अगेन इट इज इन द हैंड्स ऑफ मल्टीनेशनल company that they should decide that whether they should go for hedging or not. If your multinational company would decide ki yes you are exposed to a greater extent to the transaction exposure and you need to hedge
against different types of transaction exposure. In that case, then it is again a decision for multinational company ke hedging agar karni hai to choose a hedging technique if it decides to hedge part or all of the exposure. पूरी कंप्लीट हेजिंग करनी है, पूरे जो आपकी ट्रांजैक्शन है उसको आपने हेज करना है, या आपका कुछ पार्ट हेज करना है विच इज यू थिंक मोर वॉलेटाइल इन नेचर, या फिर क्योंकि आपकी बहुत सारी सब्सिडरीज हैं सो उसमें से कुछ ऐसी हैं जिसमें वॉलेटिलिटी ज्यादा है एंड यू ओनली गो फॉर दोज सब्सिडरीज जहां पे वॉलेटिलिटी ज्यादा है और यू वॉन्ट टू hedge yourself against only those currencies. So it depends on your you being a multinational company ke whether if you are going for the hedging policy ke haan humne hedge karna hai. So to what extent aapne hedge karna hai, aapne basically pura ka pura complete hedging karni hai ya phir usme se kuch part ko hedge karna hai. So all this depends on the criteria ke whether you are going for hedging or not. If yes you are going for hedging, then you have to decide ke aapne complete हेजिंग करनी है, पार्शियल हेजिंग करनी है, एंड देन अगर कंप्लीट करनी है या पार्शियल करनी है तो किस टेक्निक को अप्लाई करना है फॉर योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर या फॉर योर हेजिंग टेक्निक फॉर योर ट्रांजैक्शन एक्सपोजर. ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी डिस्कस्ड कि जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि आपने कौन सी टेक्निक यूज करनी है हेजिंग के लिए, देन यू हैव टू सी कि हेजिंग टेक्निक्स कौन कौन सी अवेलेबल हैं. फर्स्ट वी सेड दैट देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट यू माइट गो फॉर द फ्यूचर हेजिंग. आपने फ्यूचर हेजिंग को अडॉप्ट कर लिया कि फाइन माय अमाउंट्स आर टू द एक्सटेंट दैट वी हैव टू गो फॉर द हेजिंग, चाहे पेबल्स में से हो चाहे रिसीवेबल्स में से हो, लेकिन आपने देख लिया कि यस आपको हेजिंग करनी है, देन यू डिसाइड कि आपने फ्यूचर हेजिंग करनी है फॉर एग्जांपल, और यू माइट गो फॉर द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स या फॉरवर्ड हेजिंग. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, कि अगर तो आपकी अमाउंट्स बहुत ह्यूज अमाउंट्स इन्वॉल्व हैं इन योर पेबल्स या इन योर रिसीवेबल्स एंड यू वॉन्ट टू गो फॉर हेजिंग टेक्निक, देन यू शुड गो फॉर फॉरवर्ड हेजिंग. हाउएवर ऑन द अदर हैंड इफ यू थिंक कि आपके पास जो ट्रांजैक्शन एक्सपोजर है उसमें जो आपके रिसीवेबल या पेबल्स जो इन्वॉल्व हैं वो बहुत ह्यूज नहीं है, नॉर्मल सी अमाउंट्स है, इन दैट केस यू कैन गो फॉर फ्यूचर हेजिंग ऑल्सो. सो दीज आर द टू टेक्निक्स बाय विच यू कैन डिसाइड फॉर लॉन्ग टर्म या फॉर ह्यूज अमाउंट यू कैन डिसाइड फॉर फॉरवर्ड हेजिंग, फॉर नॉर्मल और स्मॉलर अमाउंट यू कैन गो फॉर फ्यूचर हेजिंग. वी विल ऑल्सो डिस्कस द मनी मार्केट हेज एंड द करेंसी ऑप्शन हेज इन डिटेल इन आर नेक्स्ट लेक्चर. वी वुड थिंक यू हैव दीज फोर टेक्निक्स अवेलेबल फॉर यू बींग अ मल्टी नेशनल कंपनी एंड यू कैन डिसाइड विच टाइप ऑफ हेजिंग यू कैन गो फॉर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि आपको ट्रांजेक्शन एक्सपोजर आप फेस कर रहे हैं तो यू हैव टू डिसाइड आउट ऑफ दीज फोर टेक्निक्स आपने किस तरह से अपनी कंपनी को हेज करना है. वी ऑल्सो डिस्कस्ड अबाउट द पोर्टफोलियो कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल मल्टी नेशनल कंपनी है और मल्टी नेशनल कंपनी होने की वजह से आप क्योंकि डिफरेंट सब्सिडरीज में डील कर रहे हैं और बींग अ डिफरेंट डीलिंग विद डिफरेंट सब्सिडरीज देर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके पास जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो डिफरेंट पोर्टफोलियोज में डिफरेंट आ रहा हो. वन एग्जाम्पल वी हैव कवर्ड इट न्यूमेरिकली वेयर वी सॉ के जो यूएस फर्म थी उन्होंने करेंसी रिसीव करनी है या फिर रिसीवेबल्स आने उनके इन वन मंथ टाइम इन यूएस डॉलर दो डिफरेंट कंट्री से, इंडोनेशिया से और थाईलैंड से. उन दोनों करेंसीज में जो वेरिएशन आने का चांस या डिविएशन आने का चांस है वो भी हमने डिस्कस किया कि एक करेंसी में आई गेस 7% है, दूसरी में 8% है. सो योर बीइंग अ मल्टीनेशनल कंपनी यू आर गोइंग टू फेस दिस टाइप ऑफ वेरिएशन इन एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन. सो व्हाट विल बी योर स्टैंड इफ यू आर हैविंग दिस टाइप ऑफ एक्सपोजर, तो आप उसको ओवरऑल पोर्टफोलियो डिजाइन करके पोर्टफोलियो स्टैंड डेविएशन कैलकुलेट करके यू कैन डिसाइड कि डिफरेंट पोर्टफोलियोज में आपका कितना एक्सपोजर हो रहा है इन ट्रांजेक्शन, एंड यू कैन डिसाइड कि वेदर यू हैव टू गो फॉर दिस ट्रांजेक्शन और नॉट. सो हमने उसमें भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल के थ्रू चेक किया कि बाय प्लगिंग द वैल्यू ऑफ वेरिएशन, बाय प्लगिंग द वैल्यूज ऑफ वेट्स, प्लस वन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट द ट्रांजैक्शन एक्सपोजर कि आपने कितनी परसेंट कोरिलेशन आ रही है या कितनी कोरिलेशन कोएफिशिएंट आ रहा है, यू मस्ट इन्वॉल्व दैट ऑल्सो. कि जब आप ट्रांजैक्शन की बात कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन एक्सपोजर की, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिन करेंसीज में आप डील कर रहे हैं उनमें वेरिएशन और कोरिलेशन कितनी आ रही है. So in that case, when you are done with that, कि आपको पता लग गया कितनी वेरिएशन आ रही है, then you know कि fine, it is decided कि क्योंकि इतनी वेरिएशन आ रही है या इतनी डिविएशन आ रही है, now I have to go for the hedging. जब आपने ये डिसाइड कर लिया कि yes, you have to go for the hedging, then you have these four options in which you either you can go for future hedge, or you can go for forward hedge, or you can go for the money market hedge, and finally you can go for the currency options.
So in this regard, these four things are very much important. These are the hedging techniques by which the multinational company can avoid any type of loss in future. So in our next class, we will discuss the last two categories of hedging techniques, and then we will also solve a numerical by which you can understand these concepts in a much better way. Till then, thank you and Allah Hafiz.